बैगन का भरता बनाने के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। तो हे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए पहले बैगन और टमाटर को आग पर इस कदर हमें पका लेना है। आप देख सकते हैं नज़ारा, एकदम गोल मटोल बैगन को, भंटा को आग पर हमने चढ़ा रखा है और टमाटर हैं साथ में, आप देख सकते हैं। और इसे टाइम टू टाइम पलटते रहना है, हर तरीके से इसे अच्छे से पका लेना है, कहीं किसी साइड छूट ना जाए टमाटर और बैगन हमारा पकना। इसका हमें भरपूर ख्याल रखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पका लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को कंप्लीट देखें। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप देखिए, एक तरीके से हमारा बैगन कंप्लीट होने के कगार पे है और ये जब सब तरह से पक जाए तो इसे निकाल लेना है, आग से नीचे उतार लेना है। और ये देखिए फाइनल लुक हमारा बैगन जो भंटा है उसका। और ये सेम यही प्रोसेस होता है लंबे वाले बैगन के साथ। उसका भी अगर हमें भरता बनाना हो, चोखा बनाना हो, तो पहले उसे आग पे पका लिया जाता है, हर तरीके से पकाया जाता है, हर साइड से पकाया जाता है, कहीं किसी साइड छूट ना जाए, कहीं पे छूट ना जाए, इसका भरपूर ख्याल रखा जाता है। और टमाटर के साथ भी सेम वही है, हर तरह से पका लिया जाता है। टमाटर को भी आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, एकदम अच्छे से पका कर सबको आग पे उतार लेना है। और आप जो टमाटर देख रहे हैं हर तरीके से पक चुका है। आप देखें टमाटर का जो ऊपर वाला लेयर होता है कड़ा वाला, वो फट चुका है। और सेम इसी तरीके से हर साइड से पलट पलट के हमें पका लेना है, बैगन हो टमाटर हो सबको। और जब सब कुछ हमारा पक जाए तो सबको नीचे उतार लेना है। आप देख सकते हैं हमारा भंटा, टमाटर, बैगन, हर कुछ एकदम अच्छे से पक चुका है। हम सबको अब नीचे उतार चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा बैगन एकदम आग पे पकाया गया है। और आग पे पकाने से बहुत ही सोंधा फ्लेम मतलब स्मेल आता है। आप देख सकते हैं एकदम स्मोकी स्मेल फील होता है। अब इसे अच्छे से पानी में सब कुछ साफ़ कर लेना है। आप देखें ऊपर वाले परत को छुड़ा लेना है जो कि आग पे टच हुआ है, आग पे लगा है, जला है, उसको अच्छे से पानी में भिगोकर छुड़ा लेना है। और अच्छे से इसे मैश लेना है। आप देख सकते हैं सेम यही हाल दूसरे टमाटर के साथ भी, अच्छे से उसे क्लीन कर लेना है। ऊपर वाले परत को तो छुड़ा ही देना है क्योंकि वो जल चुका है, आप देख सकते हैं। और सबको पानी में अच्छे से एकदम धो लेना है ताकि कोई गंदगी ना जाए हमारे भरता में, चोखा में। सबको अच्छे से क्लीन करना है और जब क्लीन हो जाए तो इसे भी अच्छे से मैश कर लेना है एकदम। आप देखें अब सेम यही चीज़ हम बैगन के साथ दोहराने वाले हैं। बैगन को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, ऊपर वाले परत को छुड़ा देना है, आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको हमेशा हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोस और ऐसे ऐसी रेसिपीज मिलते रहती हैं। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और आप भी ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये भरता। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। बिहार की तो ये रेसिपी एक तरीके से जान है। अब देखिए हमारा बैगन भी एकदम अच्छे से छिल चुका है, अब इसे अच्छे से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा देख लेंगे कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं, क्योंकि ऊपर से तो बहुत अच्छे और शानदार दिखते हैं भंटा बैगन, लेकिन अंदर से कीड़े होते हैं। सेम इस चीज़ को देख लेना है और लंबे वाले बैगन को भी एकदम सेम प्रोसेस से ही क्लीन करना है। ऊपर वाले परत को अच्छे से छुड़ा लेना है पानी की मदद से ताकि कोई आग का जला
ना रह जाए, अच्छे से क्लीन करके सबको निकाल लेना है एक प्लेट में। आप देखिए हमारा लंबा वाला बैगन भी अब एक तरीके से क्लीन हो चुका है। अब इसे पानी में धो लेना है, उसके बाद इसे भी एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे देख लेना है इसमें भी तो कहीं कीड़े वगैरह नहीं हैं। और अच्छे से जांच पड़ताल कर कर इसे फाइनली टमाटर जो हमने ऑलरेडी पीस मैश रखा है उसमें इसे मिला देना है। आप देखें टमाटर और बैंगन का ये कॉम्बिनेशन। अब इसमें डालने के लिए हम मिर्च काट लेंगे। हमने दो मिर्च ली हैं एक बैंगन के हिसाब से, क्योंकि मिर्च हमारी बहुत स्पाइसी है। आप अपने हिसाब से मिर्च देख लें अपने स्वादानुसार, आपको जितना मन मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया पत्ता, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए नहीं, तो बस ये दो चीज़ आप अच्छे से काट लें अगर आपके पास हैं, और इसे भरता में डाल लें। और इसके ऊपर से अब स्वादानुसार नमक, और इसके ऊपर अब मस्टर्ड ऑयल हम डाल लेंगे हल्का सा, और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बारीक से इसे मिला लेना है, फेंट लेना है, और हमारा भरता तैयार हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पे आपको अनेकों तरह के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहती हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी ये भरता आप देख लें। अब हमारा भरता मिक्स हो चुका है, अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। आप देखिए ये हमारा भरता। तो कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, और चैनल याद से सब्सक्राइब कर लें।